हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपमास पर्सनल ब्लॉग। आज है 15 अक्टूबर और आज है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। पता है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बर्थडे पर। तो आज उनका बर्थडे है और आज मैं अगर उनके बारे में कुछ ना बोलूँ तो कैसे हो सकता है? बिकॉज मैंने उनसे उनके बुक से बहुत कुछ सीखा है। पर्सनली तो कभी हुआ ही नहीं, मैंने उनके बुक से बहुत कुछ सीखा है। ये बुक मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, एक बुक जो पढ़ना चाहिए वो है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ये वाला बुक सबको पढ़ना चाहिए। इसमें एक लाइन है जो मुझे मुझ में कुछ लाया कि मुझे नहीं कुछ करना चाहिए। एक लाइन जो मेरे दिमाग में हमेशा फिट रहता है, हर रोज़ वो लाइन को जस्ट रिपीट करती हूँ तब ऐसा लगता है जैसे कुछ एनर्जी फ्लो हो रहा है। द लाइन इज़, वी ऑल आर बॉर्न विद अ डिवाइन फायर इन अस। आवर एफर्ट्स शुड बी टू गिव विंग्स टू द फायर एंड फिल द वर्ल्ड विद द ग्लो ऑफ इज गुडनेस। ओके, डिवाइन फायर मतलब क्या है? भगवान, डिवाइन मतलब भगवान, एंड डिवाइन फायर मतलब भगवान से दिया हुआ, यू कैन से आशीर्वाद है, सबके पास है, सबके पास है। वी ऑल आर बॉर्न विद इट। हम लोग को क्या करना चाहिए? वी हैव टू गिव विंग्स टू द फायर। विंग्स टू द फायर मतलब जो भी हम लोगों में है, जो भी टैलेंट है, या हर किसी में कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो जो भी है हम लोगों को विंग्स देना चाहिए। मतलब हम लोग को ट्राई करना चाहिए, हम लोग को एफर्ट करना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग कुछ कर पाए और हम लोग जो करेंगे उसकी अच्छाई से पूरे वर्ल्ड में भी कुछ डिफरेंस ला पाए। यही है वो सेंटेंस का मीनिंग अकॉर्डिंग टू मी। भाई मुझे पता नहीं दूसरे लोग उसका क्या इंटरप्रेट करेंगे, बट दिस इज़ द मीनिंग। एंड जब भी मैं ये लाइन, मैंने ये बुक पढ़ा था, मेरी 5 to 6 years पहले पढ़ा था मैंने ये बुक, तब से मुझे ये लाइन पूरा मेरा यहाँ पे स्टक है एंड इट गिव्स मी इनफ एनर्जी। इसलिए मैंने बोल रही हूँ कि आप लोग को भी ये पढ़ना चाहिए वाला बुक। एंड उसके भीतर में तो बहुत कुछ है, अगर किसी दिन मैं मुझे टाइम हुआ देन आई विल डू समथिंग, कुछ आपको बोलूँगी यहाँ से जो, लेकिन आज टाइम बहुत शॉर्ट है। आज गई थी मैं कहीं घूमने ही गई थी कहीं, लेकिन वहाँ पे वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि मुझे आपको ये बुक दिखाना था, तो इसलिए मैं वहाँ पे कोई वीडियो नहीं कर पाई। अभी बहुत रात हो चुका है, आके फिर फ्रेश होके फिर आपके सामने मैं ये वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि जो ये आज मुझे आपके साथ बोलना है वो आज ही बोलना है। अगर आज के दिन मैं नहीं बोला तो शायद नहीं बोल पाऊँगी, इसलिए मैंने ये वीडियो किया। सो हैप्पी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। एंड हाँ, एक और बात, हम लोग को ये सब चीज़ सेलिब्रेट करना है। हाँ, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग अगर हम लोग ही ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सो करना है, राइट? हैप्पी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। बाय।